ग्रीटिंग्स एवरीवन, एमजी टेक की ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन। टॉपिक डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन इनविटेशन। वेल, इनविटेशन इज आस्किंग समवन टू जॉइन अस इन अ पर्टिकुलर सेलिब्रेशन और एनी एक्टिविटी। जी हाँ, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, आप किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, वेडिंग सेलिब्रेशन, तो आप अपने नियर्स एंड डियर्स को इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इफ यू आर फ्री ऑन कमिंग संडे, शैल वी विजिट दिल्ली? अगर आप संडे को फ्री हैं तो दिल्ली घूमने चलें। आप संडे को रिप्लेस कीजिए, इफ यू आर फ्री ऑन कमिंग फ्राइडे, शैल वी गो फॉर अ मूवी? अगर फ्राइडे को फ्री हैं तो मूवी देखने चलें। सो यू आर इनवाइटिंग एंड यू आर ऑफरिंग एट द सेम टाइम। आप डे की बजाय डेट भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्री ऑन कमिंग 7th जुलाई, शैल वी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? इफ यू आर फ्री ऑन कमिंग 21st, शैल वी अटेंड अ सेमिनार? सेकंड, हाउ अबाउट एक्शनिंग? एक और तरीका है जिससे आप इनवाइट कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, दैट इज हाउ अबाउट एक्शनिंग। जी हाँ, कैसा रहे एक्शन करें तो। एक्शनिंग मीन्स आप वहां कोई वर्ब डालिए और आईएनजी लगा करके उस एक्सप्रेशन को यूज करें। फॉर एग्जांपल, हाउ अबाउट डाइनिंग आउट एट हवेली दिस इवनिंग? कैसा रहे आज शाम को हवेली पे खाना खाने चले। सेकंड, हाउ अबाउट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर टुगेदर? हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी दिस इवनिंग? हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू एक्शन? आप एक्शन क्यों नहीं कर लेते हो? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश मेरी एक वीकनेस है, तो आप उसे इनवाइट कर सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं, व्हाई डोंट यू ज्वाइन एमजी टेक? या कोई बंदा बोलता है कि मैं इवनिंग में बड़ा बोर हो जाता हूं, मुझे कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर क्लब? Why don't you come here to celebrate Holi with us? आप होली मनाने के लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते हैं? इसके बाद इस वीडियो में हम सीखते हैं the biggest invitation of India, जी हाँ, wedding invitation। जब कभी आप शादी का कार्ड किसी को देने के लिए जाते हैं, invite करने जाते हैं, तो कौन कौन से expression आप use करते हैं, एक नजर डालते हैं। First, please come with all and no excuses, please। सबको लेके आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सेकंड, जब आप कार्ड देते हैं अपने कजिन्स को या बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, तो अक्सर आप कुछ इस तरीके से बात करते हैं, दो तीन दिन पहले आकर काम संभालिए। तो इंग्लिश में एक्सप्रेशन बनेगा, प्लीज कम 2-3 डेज प्रायर टू वेडिंग एंड टेक द चार्ज। नेक्स्ट, अगर आपको किसी इमिनेंट पर्सनैलिटी, किसी ऑनरेबल पर्सनैलिटी को अपने यहां इनवाइट करना है, तो डायलॉग कुछ इस तरीके से बोलिए, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन। आप आकर समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। या फिर, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन द कपल। आकर बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। इनविटेशन के बाद हमें एक चीज और सीखनी है कि अगर कोई इंसान आपको इनवाइट करता है तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। अगर किसी वजह से आप वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप वहां उन लोगों को जाकर के ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप कुछ इस तरीके से रिप्लाई करें, आई वुड लव टू बट आई एम बिजी समवेयर एल्स, आई वुड लव टू बट आई एम टू टेक एग्जाम, आई वुड लव टू बट आई एम टू अटेंड गेस्ट्स एट माय होम। मैं जरूर आता पर उस दिन मैं कहीं और बिजी हूं। मैं जरूर आता पर उस दिन मुझे एग्जाम देना है। मैं जरूर आता लेकिन उस दिन मुझे घर पे गेस्ट अटेंड करने हैं। और इन केस आपको वो इनविटेशन एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी यस बोलनी है, तो उस केस में सिंपली आप बोल सकते हैं, वंडरफुल आइडिया। अगर कोई आपको बोलता है, हाउ अबाउट डाइनिंग आउट एट हवेली दिस इवनिंग, एक्सेलेंट आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, बुरा विचार नहीं है।
या दो और एक्सप्रेशन हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, यू हैव स्टोलन माई वर्ड्स, या फिर तुमने मेरे दिल की बात कह दी, यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड। तो लोगों को अपने छोटे बड़े फंक्शंस में इनवाइट करते रहिए और उनसे अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू।